बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बिज़ी होंगे। तो ये तो हो गया हमारा आज का डायलॉग, तो चले हम अपनी रेमेडी को अपनाना स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर रहे होंगे कि आज मैंने अपने एक हाथ पर नेल पॉलिश लगाई है और एक पर नहीं लगाई। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि चलिए मैं इसको आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको अचानक किसी फंक्शन या कहीं भी जाना पड़ गया हो और आप क्विकली अपनी नेल पॉलिश को रीन्यू करना चाहते हो, लेकिन आपका नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो गया हो और आपके पास इतना टाइम भी ना हो कि आप मार्केट जाके एक अपना नया रिमूवर लें और अपनी नेल पॉलिश को रीन्यू कर लें। आपका तो पता ही नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है और मुझे अपनी उसी नेल पॉलिश के ऊपर अपनी न्यू नेल पॉलिश को अप्लाई करना पड़ता था और जो कि बिल्कुल भी फाइन नज़र नहीं आता था। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और हेयर होम मेड रिमूवल बनाया और फ्रेंड्स, मैं अपने सेम में सक्सेसफुल भी हो गई। इतना अमेजिंग हुआ है कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मैं अपना एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये कितना अमेजिंग है। तो इसको बनाने के लिए जो हमारे आज के इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। हमें वाइट विनीगर चाहिए होगा, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इसमें वाइट विनीगर मैंने डाला हुआ। और हमें हाफ लेमन बस चाहिए होगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम 2 टीस्पून हम इसमें वाइट विनीगर के डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम ऑलिव ऑयल के डालेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ साथ ही हमारे नेल्स को भी मॉइस्चराइज करेगा। और इसमें हमने सिर्फ 4 ड्रॉप्स हमने लेमन के डालने हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ना सिर्फ आपकी नेल पॉलिश को इजीली रिमूव करेगा बल्कि आपके नेल्स को शाइन भी देगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। आपने अक्सर मार्केट के नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किए होंगे, आप देखा होगा कि आप रिमूव करने के बाद आपके जो नेल्स हैं वो कितने ड्राई और डल से हो जाते हैं। तो इसमें जो हमने इंक्लूड किया है ऑलिव ऑयल, वो आपकी स्किन को साथ साथ मॉइस्चराइज भी करेगा और उसको शाइन भी करेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग नेल पॉलिश रिमूवर है जो कि हम अपने घर में ही बना सकते हैं। तो ये तकरीबन मिक्स हो चुका है, मैं अब आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले हमने एक कॉटन बॉल ले लेनी है। सबसे पहले हमने एक कॉटन पैड ले लेना है और इसको इसमें डिप करना है, नासा कर लेंगे और इसके साथ हम नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें आप कि कितना ईजीली रिमूव हो रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग नेल पॉलिश रिमूवर है। आप इसको घर में ही बना सकते हैं। आप इसको यूज़ करने के बाद मार्केट के नेल पॉलिश रिमूवर को भूल जाएंगे और आप इजीली इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको घर में ही बना सकती हैं। तमाम चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। तो आप अब ज़रूर मार्केट के नेल पॉलिश रिमूवर को भूल जाएंगे और आज से अपना ही नेल पॉलिश रिमूवर बनाएं। जब से मैंने ये बनाया है, मैंने कभी भी परचेज़ नहीं किया मार्केट से। मैं इसको बना के रखती हूँ और अचानक कोई भी फंक्शन हो या कहीं भी मुझे जाना पड़े तो मैं अपनी इजीली इसको रिमूव करके अपनी नेल पॉलिश को रीन्यू कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी नेल पॉलिश को कितनी इजीली रिमूव कर दी है। तो ये इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज का फर्स्ट स्टेप, पहली टिप। तो मैं आपको दूसरी टिप भी इसके साथ देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास इन चीज़ों में से भी कोई चीज़ घर में अवेलेबल ना हो, या आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो, या लेमन घर में ना हो, या फिर आपके पास वाइट विनीगर घर में ना हो। तो उस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन भी आ जाते हैं कि जिनमें से कुछ अवेलेबल भी ना हो घर में और आपको कहीं जाना पड़ जाए और आप नेल पॉलिश को रिमूव करना चाह रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक हमें चाहिए होगी कॉटन पैड, कॉटन बॉल हमें चाहिए होगी, और हमें चाहिए होगा परफ्यूम। फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, सिल्वर स्प्रिट। मैं इसको जब भी कहीं जाती हूँ इसको मैं यूज़ करती हूँ। आप भी इसको यूज़ करके देखिए, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। तो चलिए हम आपको बताती हूँ कि परफ्यूम के साथ आप नेल पॉलिश को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो आपने कॉटन के ऊपर आपने इसको स्प्रे करना है, कॉटन बॉल के ऊपर, ठीक है। इस तरह आपने स्प्रे करना है और आपने नेल पॉलिश को रिमूव कर, देखिए कितनी ईजिली रिमूव हो रहा है। तो जी फ्रेंड्स, मेरी नेल पॉलिश टोटली रिमूव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी नीटली ये रिमूव हो गई है। ये जो मैंने आज आपको टिप्स बताई हैं बहुत ही इजी है, उसमें आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं आएगा। आप ये तमाम चीज़ें आपको घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी।
तो आप ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा ये टिप आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ इसको कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी, क्या वाकई आपने इसको ट्राई किया। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी प्यारी सी और एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।